अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी तिरंगा बर्फी की रेसिपी, जिसे आप 26 जनवरी पर 15 अगस्त पर अपने मेहमानों के सामने भी सर्व कर सकते हैं। ये देखिए, एक पीस हम आपको इसमें से तोड़कर भी दिखाएंगे। ये देखिए, ये बहुत अच्छी बनी है। ये 15 दिन तक ख़राब भी नहीं होगी और ये बहुत आसानी से बन जाएगी। आइए आपको दिखाते हैं हमने किस तरीके से बनाई है। इसको बनाना बहुत आसान है, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आइए तो बनाना शुरू करते हैं तिरंगा बर्फी। ये देखिए, तिरंगा बर्फी बनाने के लिए हमने 150 ग्राम सूजी ले ली है और इसे हम भून लेंगे। देखिए, सूजी डाल देंगे, हमने गैस चालू कर दिया है और इसे हमें धीमी आंच पे ही भूनना है। अभी तो हम मीडियम करेंगे, जितने हमारा फ्राई पैन गर्म होगा, मीडियम गैस कर रखा है और इसे भून लेंगे हम। ये देखिए, इसमें से अब अच्छी खुशबू आ रही है और अब इस वक्त हम 4 से 5 मिनट हमें इसे भूनते हुए हो चुके हैं और हमने बिल्कुल लो फ्लेम कर ली है और इसमें अब हम घी डालेंगे। ये देखिए, 2 चम्मच घी डाल देंगे। ये देसी घी है, आप चाहें तो रिफाइंड भी डाल सकते हैं। देखिए, ये हमने भून कर निकाल ली है। आइए अब दूध डालेंगे, हमने 1/2 लीटर दूध लिया है। ये देखिए, बल्कि 1/2 लीटर से ज़्यादा है, 600 ग्राम के करीब हमारा दूध है और इसको हमने गैस तेज पर रख दिया है। इसमें एक बॉईल ले लेंगे और इसे हमें कम करना है। इसमें से एक हिस्सा हम कम कर देंगे, 2 हिस्से बचा लेंगे। ये देखिए, ये हमारा 600 ग्राम दूध है, हमने इसमें से 200 ग्राम कम कर देना है और 400 ग्राम ही हमें इसमें से रखना है। इसे उबाल लेंगे और उबाल के इसको हम पका के कम कर लेंगे। ये देखिए, हमारा दूध इसमें से 200 ग्राम कम हो चुका है और ये 400 ग्राम के करीब रह गया है। अब हम इसमें ये हमारा नारियल पाउडर है, ये डालेंगे। ये बाजार का नारियल पाउडर है, ये 100 ग्राम है, ये इसमें डाल देंगे और इसे पकाएंगे फिर। ये देखिए, हमारा दूध आधा रह गया है, हमने इसे अब पका के आधा कर लिया है और अब इसमें हम ये 1/2 चम्मच छोटी इलायची है, ये डाल देंगे और ये चीनी है हमारी 150 ग्राम, हमारी सूजी है 150 ग्राम ही हमारी चीनी है, ये डाल देंगे और इसे मेल्ट होने तक पकाएंगे, यानी जब तक हमारी चीनी अच्छे से इसमें मिल ना जाए। ये देखिए, हम क्योंकि तिरंगा बर्फी बना रहे हैं, इसमें से तिरंगा बर्फी बनाने के लिए हमें रंग घोलना होगा, तो हम इसमें से दूध निकाल रहे हैं। बस 3 चम्मच दूध निकाल लेंगे और ज़्यादा नहीं। ये देखिए, 1/2 चम्मच हम इसमें केवड़ा डाल देंगे। ये हमने चीनी डालने के बाद 4 से 5 मिनट पकाया है अच्छे से और अब इसमें अपनी सूजी डाल देंगे, थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे और इसे चलाते रहेंगे। ये देखिए, हमने अपनी सारी सूजी इसमें डाल दी है।
अच्छे से पकाएंगे। ये देखिए अब ये अच्छे से बर्तन को छोड़ने लगा है। अब हम गैस बंद कर लेंगे और इसे हटा देंगे और इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। ये देखिए हमने तीन हिस्सों में कर लिया है अपने डो को। ये जो हमने बनाई है बर्फी का बैटर, ये तीन हिस्सों में कर लिया है। और इस ट्रे में हमने घी लगा लिया है अच्छे से। एक पोर्शन हम इसमें निकाल के जमा देंगे। ये देखिए इस पे हम नारियल का बुरादा डाल देंगे। ये देखिए हमने दो जगह दूध कर लिया है अपना। इसमें थोड़ा थोड़ा सा कलर डाल देंगे। ये देखिए एक चुटकी कलर इसमें डालेंगे और ये हरा रंग भी इतना ही डालेंगे एक चुटकी। ये देखिए इसमें हम ऑरेंज कलर डालेंगे और थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे जितना हमें ज़रूरत होगा। हम आज से मिला लेंगे। ये देखिए इसी कटोरी में हम ये अपना नारियल का बुरादा डालेंगे और इसमें ऑरेंज कलर मिला देंगे। और इसे भी हम इस पे फैला देंगे। देखिए इसे भी हम इसी तरीके से फैला लेंगे। एक चम्मच बुरादा लेंगे जिस कटोरी में हमने दूध में कलर मिलाया था ग्रीन कलर, उसी में ये नारियल का बुरादा मिला देंगे। इसे भी ग्रीन कर लेंगे जैसे हमने संतरी को संतरी कर लिया था। आइए इसको काटते हैं। ये देखिए नाजरीन हमारी तिरंगा बर्फी बनकर तैयार हो चुकी है। आपने देखा हमने किस तरीके से बनाई है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अपने चाहने वालों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।